अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टिकटॉक में हूँ आदिल पठान और आप देख रहे हैं टेक्निकल पठान चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ सब टिकटॉक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप भी टिकटॉक पर वीडियो बनाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं आप वीडियो का अच्छी तरीके से एडिट करूँ और उसको अच्छी तरीके से स्लो मोशन डालूँ। दोस्तों एक नया एप्लीकेशन आया हुआ है जिस तरीके से आप अपने वीडियो स्लो मोशन में लगा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। मैं बिल्कुल शुरू से आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले की तरह रिक्वेस्ट की जाती है, अगर आप लोगों ने हमारे टेक्निकल पठान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। दोस्तों आप लोग टिकटॉक तो जानते होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो टिकटॉक के बहुत शौकीन होते हैं और उस पर वीडियोज़ बनाते हैं और उस पर अजीब तरीके से अपने स्टाइल को लगाते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो होता है टिकटॉक के वीडियोज़ पर उस स्लो मोशन का ही होता है। तो अगर आपके वीडियो पर स्लो मोशन बराबर सा हो और आपके वीडियो जिस जगह पे आप स्लो मोशन करना चाहते हैं वहाँ पर स्लो मोशन आ जाए तो वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है और बहुत ज़बरदस्त लगती है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आप वहाँ से बिल्कुल जहाँ पे आपका वीडियो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको स्पीड कम करना चाहते हैं, वो पूरा के पूरा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और बिल्कुल ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, बिल्कुल इसके इस्तेमाल करें, क्योंकि मैंने खुद उसको पहले इंस्टॉल किया और फिर उस पर ट्राई किया कि मैं पहले देखूं कि ये सही है या नहीं है। ये एक दोस्त ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी है और वो भी एक यूट्यूबर है, तो मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने मुझे बताया कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं कई बार वेस्ट हूँ, तो आप इस पर वीडियो बना के अपलोड कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। वो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपको सिंपल सा लिखना है स्लो मोशन एफएक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड नंबर पे ये ऊपर पबजी है, फिर करेम है, और ये थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं स्लो मोशन एफएक्स, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसको सर्च करना है, जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप नंबर पे दो एप्लीकेशन है आपको ये इंस्टॉल करना है, जो थर्ड नंबर पर आपको ये स्लो मोशन एफएक्स वीडियो आता है आपको इसको इंस्टॉल करना है, इसको ओपन करना है और उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। ये तकरीबन 27 MB है, और तकरीबन 27 MB बहुत 3-4 मिनट में, यानी अगर स्लो नेटवर्क हो तो 4 मिनट में डाउनलोड हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, आप इंस्टॉल करके फिर उसको ओपन करें, तो मैंने इंस्टॉल कर दिया, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे ये ओपन हो जाए यहाँ पे आपको परमिशन देनी पड़ेगी, आपको अलाउ करना होगा। जब आप अलाउ करेंगे तो यहाँ फिर आपको डबल ऑप्शन देंगे, मैं आपको बिल्कुल शुरू से बताऊँ ये ओपन हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में मेरा फोन है ये होता स्लो खुलता है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप स्लो मोशन इफेक्ट्स लिखा हुआ है, यहाँ स्टॉप मोशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप डायरेक्ट शूट मूवी वीडियो भी बना सकते हो, अगर आप उसी टाइम बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि मैं डायरेक्टली बनाऊं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो भी बना सकते हैं और आप अपनी चूस मूवी पर भी जा सकते हैं। तो मैं चूस मूवी जाता हूं, ठीक है दोस्तों। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, यहां से मैं उसको ओपन कर लेता हूं और यहां से मैं कोई भी वीडियो अपलोड कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूं, ये थोड़ा ओपन हो जाए तो यहां से फिर मुझे पता चले। ये थोड़ा ओपन नहीं हो रहा, मैं ट्राई करता हूँ कि ओपन हो जाए। चल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूँ, जैसे ये वाला हो गया, इस वीडियो में उसके बाद एक एडवर्टाइज आएगा, एडवर्टाइज को आपको स्किप करना है। जब आप इसको स्किप करेंगे तो उसके बाद ये नेट में थोड़ा लोडिंग करता है, रिकॉर्डिंग में सॉरी। तो मैं ट्राई करता हूं कि मैं सही तरीके से इसके इस्तेमाल करूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहां से फिर आपको सैंपल पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आप देख सकते हैं यहां पे हो गई है, तो इसको क्या कर रहे हैं, उसको आपको स्टॉप करना है। यहां पे नीचे आपको जब इस तरफ लेके जाएंगे तो उस वीडियो का स्लो मोशन हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप जितना वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो दोनों तरफ से कम भी कर सकते हैं, जितना आप कम करना चाहते हैं। अगर आपके वीडियो का स्टार्ट आपने गलत लगाया हुआ है, अगर आप स्टार्ट में जारी बात है बंदा वीडियो का स्टार्ट लेता है तो वो रेडी नहीं होता है, तो आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। अगर आप कट करना नहीं चाहते तो उसको पूरा करके यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर उसके बाद आपको यहाँ से इसको स्पीड जो स्लो मोशन है वो कम हो जाती है, इस तरफ स्लो मोशन बढ़ जाती है।
तो आपको क्या करना है, आप ये बीच में हैं, अगर आप जिस जगह पे आपको स्लो मोशन लगाना है तो आपको स्लो मोशन पे लेके उसके बाद प्ले करना है। जब वीडियो थोड़े आगे चले जाएगी, जहाँ से आपको तेज़ मोशन में करना है, स्पीड वाले मोशन में करना है, तो उसके बाद आपको इस निशान से आपको इस तरफ लेके आना है। जब इस तरफ लेके आओगे तो वहाँ से आपकी वीडियो का स्पीड बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद जहाँ से आप जहाँ पर आपको वीडियो बिल्कुल सिंपल से लेके जानी, जैसे मैं यहाँ पर स्लो मोशन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं प्ले करता हूँ तो कैसे दिख जाए देख, ठीक है, थोड़ा और कर लेता हूँ और कम हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, यहाँ से देख, या देख देख कितना बढ़ गया। तो इस तरीके से आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ से अभी बीच में रखता हूँ, अगर मैं वीडियो को जितना आपकी वीडियो चलती है जहाँ पे आप स्पीड लगाना चाहते हैं वहाँ पे स्टॉप करके इसका जो स्लो मोशन है, इस तरफ स्लो मोशन होता है, इस तरफ स्पीड मोशन होता है, ठीक है, जिस तरफ आपको करना है उस तरफ कर ले। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर आपका सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके वीडियो यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगी। आपको गैलरी में सेव करना है, आपको म्यूज़िक चेंज करना है, आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, आप अपने क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं कि आप किस क्वालिटी में उसको अपलोड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आप लोगों की अच्छी वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इसी चैनल पर मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।